नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी हिंदी पर। आज जब पूरा देश राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन मना रहा है, राम मनोहर लोहिया जी भारतीय राजनीति का एक ऐसा सूरज जिनका नाम भुला पाना शायद ही मुश्किल होगा, क्योंकि गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में देखें और जवाहरलाल नेहरू के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैसा ही उन्हीं के बराबर में एक चलता हुआ नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का था, जिनके अपने विचार ऐसे थे जो वास्तविक में परंपरागत समाज को एक बेहतरीन मोड़ देने का प्रयास कर सकते थे। ऐसे में राम मनोहर लोहिया जी के साथ एक अपना विशेष समय व्यतीत किए हुए शख्स हमारे साथ हैं जिनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं रामेंद्र त्रिपाठी जी, और आपका परिचय ये है कि आप 2004 से लेकर और 7 तक लखनऊ के जिलाधिकारी के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी है, और दूसरी बात आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र के तौर पर जाने जाते रहे हैं, और सर का परिचय यहीं पर नहीं रुकता। सर 1973 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं और कई मशहूर पत्र पत्रिकाओं में सर के लेखन छपते रहे हैं। तो आज हम राम मनोहर लोहिया जी के जीवन पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सर के साथ मौजूद हैं, और सर ने जो अपना जो है अच्छा समय लोहिया जी के साथ बिताया तो हम चाह रहे हैं कि वो समाज के सामने आ सके। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आयुष जी, बहुत आभारी हैं। अगर आज लोहिया जी का चूंकि जन्मदिन है और आज की पीढ़ी लोहिया जी के विचारों से बड़ा प्रभावित होती है, और आज जब बौद्धिकता की कमी है तो ऐसे दौर में मैं चाह रहा हूँ कि आपने अपने जीवन का कुछ समय लोहिया जी के साथ बिताया है तो थोड़ा सा अगर लोहिया जी के बारे में बताएं। देखिए, वर्ष 1966 में तब मेरी अवस्था भी बहुत कम थी, 16 साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA पार्ट 1 का छात्र था। अंग्रेजी मेरा सब्जेक्ट था और मेरे जो गुरु थे वो प्रोफेसर विजय देव नारायण शाही, जो हिंदी के, ये मुझे बाद में जानकारी हुई कि हिंदी के बहुत यशस्वी कवि तो है ही हैं, इसके अलावा उनकी एक बड़ी पहचान डॉक्टर लोहिया के दोस्त के रूप में, एक बहुत चिंतनशील समाजवादी के रूप में उनकी एक पहचान थी, बड़ी पहचान थी। संयोग से कुछ उनका लगाव, कुछ प्रेम इतना हुआ कि उनके माध्यम से मैं समझता हूँ कि अक्टूबर 66 में डॉक्टर साहब इलाहाबाद आने वाले थे, स्टेशन पर रिसीव करने के लिए हमारे गुरु प्रोफेसर विजय देव नारायण शाही भी अपने लेम्बरेटा से, उनको भी जाना था, उन्होंने कहा कि तुम भी चलो। तो मैंने पहली बार डॉक्टर लोहिया को देखा, उसके बाद वो श्री लक्ष्मी भूषण वार्ष्णेय लल्ला बाबू, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे, उनके निवास पर गए, हम लोग भी साथ गए। फिर मैंने लोहिया जी के एक तेजस्वी व्यक्तित्व का जी, बहुत स्पंदनवान, बहुत ऊर्जा से भरे हुए व्यक्तित्व का पहली बार दिग्दर्शन हुआ, क्योंकि राजनेताओं के बारे में जो एक आम धारणा थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को देखकर जो केवल राजनीति की बात नहीं करता, जो कला के विषय में, साहित्य के विषय में और जितने मानवीय सरोकार हो सकते हैं उनके विषय में बेलौस होकर बात करने वाले एक निहायत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में डॉक्टर लोहिया को, उनके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन बहुत विपरीत बातें भी सुना था। हाँ सर, लोहिया का अपवाद भी, लोहिया को जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है मैं जानता हूँ। लोहिया ने अगर बहुत सारी चीजें अच्छी कही तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि लोग उनसे सहमत नहीं होते हैं।
और आपने इस बारे में तमाम लेखन किया है, अगर सर थोड़ा सा उस लेखन के नहीं मैं ये बताऊं कि 20वीं शताब्दी जो है वो बहुत हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शताब्दी है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में नवजागरण का काल था, उसकी जो धमक थी, उसकी जो प्रतिध्वनियाँ थीं वो 20वीं शताब्दी में सुनाई पड़ी। और 20वीं शताब्दी एक वो समय है जब हमको आज़ादी मिली, जब एक सामूहिक लेखन के माध्यम से एक इतने अच्छे संविधान की रचना हुई, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, संसद बनी, और हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, औद्योगिक विकास हुए, आणविक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान भारत की धीरे धीरे बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस कालखंड में अद्भुत लोगों का समय था, वो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी तो थे ही, उसके पहले विवेकानंद जी थे, लोहिया थे, जयप्रकाश थे, अच्युत पटवर्धन थे, सरोजिनी नायडू थी, मोहम्मद अली जिन्ना थे, एक लंबी कतार, लोकमान्य तिलक थे। तो इतने लोगों के बीच में जो बड़े ओजस्वी, बड़े ऊर्जावान लोग थे, जो बहुत कहा जाए कि बहुत चमकते हुए लोग थे, उनके बीच में लोहिया ने एक अलग, एक अपनी पहचान बनाया। और वो ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज जैसे राजनीति में बुद्धिजीवियों का अकाल हो गया है, वो समय ऐसा नहीं था। नेहरू भी बहुत अच्छे लेखक थे, लोकमान्य तिलक ने गीता पर भाष्य किया था, विवेकानंद जी थे, सरोजिनी नायडू बहुत बड़ी कवित्री थी अंग्रेजी में, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत कोकिला। तो पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी जमात थी, लेकिन एक अद्वितीय और अमिट छाप यदि किसी व्यक्ति ने उस समय के बौद्धिक जीवन में हस्तक्षेप किया यदि किसी ने, तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। एक यूनिक पर्सन था। अच्छा सर, आपने अपनी उम्र में मिले हैं आप, चूँकि बहुत लोगों की कल्पना होती है कि शायद मैंने भी लोहिया को देखा होता, लोहिया से मिला होता, उनसे हाथ मिलाया होता, उनको जान पाया होता, तो आप अपने जीवन का कोई ऐसा संस्मरण हमारे माध्यम से लोगों तक साझा करें कि जिसने आपको अंदर तक प्रभावित किया हो। हाँ, मैं अवश्य करूँगा। और उसी पहली मुलाकात में वहीं लक्ष्मीभूषण वार्ष्णेय, जिनका प्रचलित नाम लल्ला बाबू था, जो पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के कोषाध्यक्ष थे राज्य के, वहीं ये निर्णय किया लोहिया ने कि उनको चित्रकूट चलना है। लल्ला बाबू बड़े व्यक्ति थे, कागज़ के बड़े व्यापारी थे, उनके पास उस समय हिंदुस्तान अम्बेसडर के पहले जी। हिंदुस्तान गाड़ी थी, तो उनके पास हिंदुस्तान थी, तो ये हुआ कि हम लोग चलेंगे। तो अब उसमें तो जाहिर है कि लोहिया जी के साथ विजयदेव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, और लल्ला बाबू को उन्होंने मना किया, क्योंकि लल्ला बाबू बहुत मोटे थे। उन्होंने कहा कि तुम दो आदमियों की जगह ले लोगे। अच्छा। तुमको नहीं चलना है। हाँ, तुम यहीं रहो, तुम्हारी गाड़ी पतले पतले लोग जाएंगे। तो मैं बहुत पतला दुबला था। हाँ। मेरा तो कोई सवाल ही नहीं था जाने का, मुझे तो वहाँ से हॉस्टल जाना था। लेकिन जब सब लोग बैठ गए, मुझे याद है कि कौन कौन थे, शाही जी थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे, ओंकार शरद थे, और तीन लोग पीछे थे, और आगे सत्यप्रकाश मालवीय जी थे, जो उभरते हुए बड़े नेता थे उस समय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, और
छोटी सी एक जगह थी, तो मैं तो बिल्कुल किनारे, क्योंकि मुझे बोलने का भी कोई प्रयोजन नहीं था, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो तुम किसके साथ हो भैया जी का ये संवाद। हाँ, तो हमारे प्रोफेसर ने बताया कि ये मेरा विद्यार्थी है और आपसे मिलने आया है। तो उन्होंने कहा मुलाकात तो हुई नहीं, इसको भी बैठाओ चलो। तो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, तो उन्होंने लल्ला बाबू से कहा कि इसके लिए खादी भंडार से दो कुर्ता पजामा मंगा दो, क्या पहनेगा। तो दो कुर्ता पजामा, पहली बार मैंने कुर्ता पजामा पहना, क्योंकि उस समय वो ड्रेन पाइप का ज़माना था, बहुत चुस्त पैंट और वैसे ही, तो कुर्ता पजामा मैं भी चला गया। फिर ब्रश व्रश ये सारी चीज़ें, चिंता थी कि कैसे क्या होगा, कोई बिस्तर भी नहीं है, कभी इस तरह का रफ जीवन व्यतीत भी नहीं किया। तो इस तरह हम लोग चले, फिर जमुना प्रसाद बोस जी के यहाँ, जो बांदा के थे, अभी जिनका देहांत हुआ, उनके यहाँ भोजन था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए मध्य प्रदेश की तरफ, जो चित्रकूट है जी, जी, जी। वहाँ से लाडली मोहन निगम वगैरह सब लोग आए, और बहुत अच्छी, बहुत अच्छा एक धर्मशाला था, उसी में व्यवस्था थी। तो वो जो चार दिन का प्रवास था, उसमें लोहिया जी के अनेक स्वरूप देखने को मिले, और उनसे संवाद का भी एक मौका मिला। क्योंकि उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी लोहिया की, कि वो कभी अपने को थोपते नहीं थे। एक चीज उन्होंने हवा में छोड़ दिया, और उसके बाद कहा कि तुम बताओ मैंने ये कहा ये कितना सही है, और गलत हो तो गलत बताना। तो और सबसे, तो उसी क्रम में अच्छी ओम प्रकाश दीपक भी आए थे। ओम प्रकाश दीपक जी जन के संपादक थे, जो मुखपत्र था। सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, जो मैनकाइंड के संपादक थे। हाँ, आपके लेख भी मैनकाइंड में छपे हुए हैं। आज भी जीवित हैं वो। और तो वहाँ बहुत लंबी चर्चाएं हुई, और उसमें केवल राजनीति की चर्चा बहुत बहुत कम हुई। उन्होंने नदियों के बारे में चर्चा किया, गंगा के बारे में चर्चा किया, यमुना के बारे में चर्चा किया। वहाँ मंदाकिनी है चित्रकूट में, उधर बेतवा और ये केन बांदा में केन मिली, उधर बुंदेलखंड में बेतवा। लोहिया के भीतर वैचारिकता का एक सागर था। हाँ, तो ये उन्होंने ये कहा कि ये जो कुंभ में जो समागम होता है, ये धर्माचार्यों को इस पर बहस करना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत की कोशिकाएं हैं, ये नदियाँ, ये संस्कृत का प्रवाह यहीं से होता है। इन नदियों, चाहे गंगा यमुना का दुआबा हो, चाहे बेतवा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे कृष्णा गोदावरी हो, तो उनको उन्होंने उस जमाने में ये कहा कि, और बहुत सारे विषयों पर। अच्छा सर, एक चीज मैं लेना चाहूँगा कि लोहिया नास्तिक होते हुए भी आप कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार, नहीं नहीं, और आस्तिकता नहीं, नास्तिक तो थे ही नहीं वो, क्योंकि नास्तिक का मतलब ईश्वर, यदि उस हिसाब से देखा जाए कि ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करना, तो ठीक है, लेकिन वो नेचर को, वो प्रकृति को, वो गंगा को, वो हिमालय को, अब हिमालय के बारे में, या पूरे जो नॉर्थ ईस्ट का जो नाम रखा उन्होंने, उर्वशीयम, ये नाम रखा, ये वहीं रखा। फिर स्फटिक शिला पर बैठ के उन्होंने सवाल पूछा लोगों से कि जब राम इस पर बैठे होंगे तो उन्होंने सीता के बारे में क्या सोचा होगा, और सीता किस तरफ बैठी होंगी, दाहिने बैठी होंगी या बाएं बैठी होंगी, और बहुत सारे सांस्कृतिक सवाल जो हैं। हाँ। तो इस तरह, और मैं बताऊं कि उनके साथ दिल्ली से जो कुछ लोग आए थे, बड़े यशस्वी लोग थे,
रघुवीर सहाय थे, हाँ, बड़ा नाम, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, प्रयाग शुक्ल थे जो आज भी जीवित हैं, और बद्री विशाल पित्ती जी आए थे हैदराबाद से। बद्री विशाल पित्ती कल्पना निकालते थे, कल्पना उस समय की सबसे बड़ी साहित्यिक पत्रिका थी। तो जो सेमिनार हुए और जो संवाद हुआ, सिंपोजियम जो हुआ, उसमें लोहिया को देखने का भी मौका मिला। और चार दिन का प्रवास, चार दिन बहुत होता है, सुबह से ले के देर रात तक, और क्रम हाँ रहता था। और उसमें जनेश्वर जी भी थे, जनेश्वर जी तो सिगरेट बहुत पीते थे, चार मीनार पीते थे, तो वो बार बार उठ के बाहर जाके अपना, लोहिया भी पहले बहुत सिगरेट पीते थे, लेकिन आचार्य कृपलानी के कहने पर लोहिया ने सिगरेट, ये उन्होंने खुद बताया। अच्छा। और ये बार बार जाते थे तो कहा इनसे, तुम सिगरेट पीने जा रहे हो? हाँ, क्यों जाते हैं? हाँ, मैं भी मंच से उतर उतर के पीछे जाके सिगरेट पीता था। हाँ। जब मैं राष्ट्रीय महासचिव था और जेबी कृपलानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अच्छा नहीं लगता, तुम राष्ट्रीय महासचिव हो, बार बार हर 5 मिनट पर तुम नीचे जा रहे हो, मैं जानता हूँ तुम सिगरेट पीने जा रहे हो, एक तो तुम्हारी सेहत के लिए नहीं ठीक है, और दूसरे इससे कार्यकर्ता के तुम रोल मॉडल हो। तो उन्होंने जनेश्वर जी से भी कहा कि जनेश्वर, दो चीज़ें राय नारायण की तरह मत करो, एक तो खाना कम खाओ, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, तुम 2 किलो मीट खा जाते हो। अच्छा। वो बहुत खाते थे जनेश्वर जी, जनेश्वर बाबू का हाँ, उस तरह सेहत खाते भी बहुत थे, मीट वोट बहुत ज़्यादा, तो एक तो तुम खाना कम करो, राय नारायण को भी समझा के आया हूँ, वो भी बहुत खाता है, और दूसरे सिगरेट पीना छोड़ दो, कोशिश करो। अच्छा सर, आपने राज नारायण जी का नाम लिया और लोहिया जी, ये दो ऐसे ही नेता थे जिनको जब जब सोशलिज्म का नाम आता है तो राज नारायण एक और लोहिया हाँ, जी हाँ, तो इनका आखिर इनके समाजवाद की कल्पना कैसी थी, अगर आप थोड़ा नहीं मतलब देखिए, यदि आप लोहिया के साथ राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय और इधर कर्पूरी ठाकुर, इधर रामानंद तिवारी बिहार में, बाबू कपिल देव सिंह, और इधर आपके लाडली मोहन निगम, बद्री विशाल पित्ती, क्योंकि तब सोशलिस्ट पार्टी केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं थी, सोशलिस्ट पार्टी का प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश, अब तो तेलंगाना अलग हो गया, पहले आंध्र बहुत बड़ा प्रदेश था। स्नेह प्रभा रेड्डी जो सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी, वो लोहिया की व्यक्तिगत दोस्त थी, और बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी भी, सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन किया। और तमिलनाडु में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 12 विधायक थे सोशलिस्ट पार्टी के। केरल में तो सरकार थी, 1957 में पट्टम थाणु पिल्लई के नेतृत्व में सरकार बनी थी समाजवादियों की, सोशलिस्ट लोगों की, लेकिन उन्होंने छात्रों पर गोली चलवा दिया, लोहिया ने उनको टेलीग्राम कर दिया कि इस्तीफा दे दो, गोली चलाने वाले व्यक्ति जो हैं समाजवादी नहीं, हाँ सोशलिस्ट पार्टी, ऐसी सरकार को हम ठुकराते हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इसी पर पार्टी का विभाजन भी हुआ, बहुत लोग सहमत नहीं थे। तो सोशलिस्ट पार्टी की प्रेजेंस जो थी, क्योंकि बहुत तेजस्वी जयप्रकाश भी थे, लेकिन जयप्रकाश जी बिल्कुल मार्क्सवादी थे, लोहिया ने मार्क्सवाद को भी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मार्क्सवाद भी नहीं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, बाकी और चीज़ों में बहुत अंतर नहीं है, मार्क्सवाद डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, लोकशाही में भी, लेकिन लोहिया का जो, चूंकि इनकी शिक्षा दीक्षा
जर्मनी हुई थी, और जर्मनी का वो लुम्बा जो विश्वविद्यालय था जहाँ इन्होंने वो पीएचडी किया, वो गढ़ था, और फिर पूरा यूरोप इधर इंग्लैंड में हेरार्ड लास्की थे जो समाजवाद की बात करते थे। तो लोहिया ने उन सारी चीज़ों को देखा, लेकिन उसको स्वीकार उस रूप में नहीं किया। फ्रांस का समाजवाद अलग था, इंग्लैंड का अलग था, वहाँ की देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार। तो भारत में जो आके उन्होंने अपने को कहा कि गांधी की विचारधारा को त्यागे बिना, और अपने को कुजात गांधीवादी कहते थे, उनका कहना था कि हिंदुस्तान में तीन प्रकार के गांधीवादी हैं। एक तो मठी गांधी, जो मठ की तरह, जैसे एक वो गांधीवादी हैं जो फैशन में आके गांधीवादी हो गए, और एक कुजात गांधीवादी अपने को कहते थे कि हम लोग ऐसे कि किसी हैं, लेकिन लोग गांधी को मानते हैं, गांधी की विचारधारा। तो गांधी को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने आदर किया तो वो डॉक्टर लोहिया थे, क्योंकि जयप्रकाश जी बिल्कुल मार्क्सवादी थे, आचार्य नरेंद्र देव मार्क्सवादी थे, और अच्युत पटवर्धन मार्क्सवादी थे, तब मीनू मसानी जो बाद में उसमें चले गए, स्वतंत्र पार्टी में चले गए, वो भी शुरू में बीजी रंगा, मीनू मसानी, ये सारे लोग जो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस के भीतर ही एक कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम बना, तो उसके ये लोग मेंबर थे। तो बहुत लंबी कथा है। पाश्चात्य संस्कारों से या पाश्चात्य देशों से बड़ा प्रभावित रहते थे, लेकिन उन्होंने उसका ठीक ठाक वाला पार्ट जो है स्वीकार किया और उसको भारत में अमल करने की कोशिश की। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, पाश्चात्य देखिए, मतलब ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इतना पढ़ा लिखा और इतना प्रतिभावान व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं पैदा हुआ, जिसने पूरे विश्व का के साहित्य के केवल राजनीतिक साहित्य को ही नहीं पढ़ा, जिन्होंने जितने फ्रेंच क्लासिक्स थे, जितने रशियन क्लासिक्स थे, जितने इंग्लिश क्लासिक्स थे, अन्य भाषाओं में भी कई भाषाओं के वो जानकार भी थे, तो अन्य भाषाओं से जो अंग्रेजी में जो अनुवाद होके आई, क्योंकि उनका ये कहना था कि तुमको राजनीति करनी है तो उस देश के साहित्य को पढ़ो और देखो कि राजनीति मतलब आइसोलेटेड घटना की तरह नहीं होती, जो सामाजिक संक्रांतियाँ होती हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, उन्हीं से राजनीति पैदा होती है, विचारों से। तो ये उन्होंने पढ़ा, बहुत पूरे दुनिया भर को पढ़ा, लेकिन उतना ही पढ़ा यहाँ की परंपराओं को पढ़ा, यहाँ की जो सारस्वत परंपरा थी, प्राचीन परंपरा थी, सांस्कृतिक जो धरोहर थे उसका उन्होंने बहुत गहनता से, उन्होंने राम पर, कृष्ण पर अद्भुत लेख लिखे हैं, अद्भुत, मतलब डॉक्टर नामवर सिंह ने जब वो उन लेखों को पढ़ा, जो मार्क्सवादी थे वो इसलिए उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन जब लोहिया का की क्षति बनाई गई तो प्रोफेसर आनंद कुमार ने उनको वो दिया था, तो पढ़ने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ऐसा लेख पढ़ा ही नहीं आज तक, और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कभी मौका मिले तो राम कृष्ण शिव और नदियों पर, हिमालय पर, और लोहिया के तो मतलब 57 साल की अकाल मृत्यु उनकी हो गई, 57 साल तक ही जीवित रहे वो, और 57 साल में जैसे ओशो का आप देखते हैं कितने कैसेट्स, कितनी किताबें, लोहिया का भी विपुल साहित्य है। मस्तराम जी ने
उनका उनकी ग्रंथावली तैयार किया मस्तराम। इसके अलावा बद्री विशाल पित्ती जी ने उनके बुकलेट्स निराशा के कर्तव्य और इस तरह करके, तो इतना विपुल साहित्य और इतनी अच्छी समझ, आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने दिनमान उस समय अज्ञेय जी उसके संपादक थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर सहाय, राम सेवक श्रीवास्तव जैसे कितने सारे लोग थे। तो सर्वेश्वर जी बहुत नज़दीक थे उनके, बहुत नज़दीक थे, यहीं बस्ती के रहने वाले थे। और एक लक्ष्मी नारायण लाल थे, हिंदी के बहुत यशस्वी नाटककार थे। तो इन लोगों ने लोहिया जी से कहा कि आप धर्मवीर भारती को भी पढ़िए। हाँ सर, इनका तो एक चर्चित रहा गुनाहों के देवता। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने धर्मवीर भारती को नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, लेकिन धर्मवीर भारती में के लेखन में के उपन्यास में विशेष रूप से गुनाहों के देवता के बारे में उन्होंने कहा कि वो डेप्थ नहीं है। अच्छा, फिर भी ये एक रूमानी उपन्यास है। तो लोगों ने कहा कि इस पर आप कुछ लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं लिखता हूँ, तुम छापोगे। और दिनमान में वो छपा, जिसमें वो अद्भुत आलोचना समीक्षा उस पुस्तक की, इतनी बेबाक और इतनी अच्छी समीक्षा गुनाहों के, ये धर्मवीर भारती ने ही कहा कि मेरे लिए ये थाती है और ये बिल्कुल सही है, ये उन दिनों की पुस्तक है जब मैं प्रेम की रूमानी दुनिया में इलाहाबाद में खोया हुआ था, और जब मैं केवल ये जो खुरदुरा यथार्थ है इससे परिचित नहीं था जीवन का, केवल बाल बढ़ा के और किसी अपनी एकांगी प्रेम के चक्कर में मैं पड़ा रहता था, ये उसी समय का है। और लोहिया जी ने बिल्कुल सही सटीक उसका, हाँ, लोहिया जी ने ये कहा कि ये उपन्यास कालजयी नहीं हो सकता। हाँ। ये लिखा है उन्होंने कि ये कालजयी कृति लियो टॉल्स्टॉय के युद्ध और शांति की तरह, वॉर एंड पीस की तरह नहीं, ये नहीं होगी। ये लोग पढ़ेंगे, लोगों को मजा आएगा। हाँ, लोगों को अच्छा लगेगा कालांतर तक, और हाँ, लेकिन उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं। और साहित्य की पहचान ये है, एक क्लासिक साहित्य की पहचान ये है, क्लासिकी की पहचान ये है कि वो एक स्थायी प्रभाव छोड़े आपको, जो आपको सोते जगते आपको उद्वेलित करती रहे, ख्याल करें, इमेजेस बने आपके, जो आपको आपके अंदर आवेग पैदा करे। तो इस तरफ लोहिया जी का पूरा व्यक्तित्व जो है बहुत स्पंदन से भरा। इसीलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी वार्टी छोड़ दिया, और क्योंकि फिर वो वही कमी खाली लोहिया की, वो जो एक शून्य। आपने ये मृत्यु के संदर्भ में चर्चा की, लोहिया जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगी थी, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मेरा जन्मदिन न मना कर हम इसको शहीद दिवस मनाया जाए, और वो इस पे चर्चा करते थे। तो इस चीज को आप अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। हाँ, पहली बार आप कह रहे हैं कि वो अपना जन्मोत्सव मनाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। सन 66 में एक बार वो बांदा जाने के लिए, वो पाठा क्षेत्र से उनको शंकरगढ़ से बांदा जाना था, वो आए। और उनका जन्मदिन पड़ने वाला था, तो उनके कुछ बहुत अनन्य जो लोग थे, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, प्रोफेसर विजय नारायण शाही, प्रोफेसर एस सी देव, प्रोफेसर के भट्टाचार्य, इन लोगों ने कहा कि भाई ये सब राम मनोहर लोहिया से बड़े थे उम्र में,
तो इन लोगों ने कहा कि तुम्हारा जन्मदिन हम मनाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जन्मदिन तो मैं मनाता नहीं हूँ। तो ये हुआ कि नहीं, ये नहीं, जन्मदिन उसका नाम नहीं रखेंगे, उसका नाम रखेंगे समाजवादी संवेत, समाजवादियों का कि जुटान। संवेत माने होता है जुटान। तो इस नाम पर फिर राजी हो गए वो। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यूनियन भवन में बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उसमें लोहिया भी आए पहली बार। लेकिन उसमें जन्मदिवस के रूप में नहीं था वो, लेकिन था वो जन्मदिवस के ही उसमें। और उसमें लोहिया का अद्भुत भाषण 1.5 घंटे तक, और उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ताराचंद मौजूद थे, प्रोफेसर एस सी देव, प्रोफेसर के भट्टाचार्य और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, कौन नहीं था उसमें। सर तब भी यूनिवर्सिटीज में इस तरीके के लेक्चर अक्सर, अब तो लगता है कल्पना मात्र रहे। नहीं नहीं, अरे तब तो बहुत, लेकिन डिबेट का किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफेसर्स भी थे जो लोहिया को राह चलता लफंगा समझते थे कि ये तो अंडमंड बोलने वाला आदमी है जी। उनको सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जो चमत्कृत करने वाला जो उनका भाषण था, पिन ड्रॉप साइलेंस, माने जितनी भीड़ अंदर, 10,000 के ऊपर लड़के और लोग बाहर, माइक लगा हुआ था, सुनने वालों की पिन ड्रॉप, कोई हंगामा। और यही अहमद हसन जो अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो COCT थे। अच्छा। इलाहाबाद में उस समय, वही कर्नलगंज एरिया में, कर्नलगंज अहमद हसन साहब मतलब स्वास्थ्य मंत्री भी थे। हाँ, वो COCT थे, डिप्टी SP थे। और लेकिन पुलिस की व्यवस्था थी, लोहिया के नाम से ही लोग थर्रा जाते थे। लेकिन कोई ऐसा लगा जैसे अनुशासन का महाकाव्य पढ़ रहे हो लोहिया। डेढ़ घंटे उन्होंने इस देश की राजनीति, लोकनीति, समाज नीति, अर्थनीति, क्योंकि अर्थशास्त्र के तो उद्भट विद्वान थे ही वो, और उतना बड़ा अर्थशास्त्री ये सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह सब कहने सुनने को है। लोहिया ने सर प्रत्येक चीज में अपना योगदान दे, वो जिस भी चीज को देखते थे, मैं भी मतलब डीपली, कोई ऐसा विषय नहीं, इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास के विषय में, इतिहास के जो काले अध्याय हैं उनके विषय में, कोई ऐसा विषय नहीं साहित्य के विषय में जो लोहिया ने छोड़ा हो। और सारे लोग बिल्कुल जैसे स्तब्ध रह जाएं कि अरे ये जो पब्लिक में गाली गलौज देने वाले व्यक्ति के रूप में, नेहरू को गाली देने वाले व्यक्ति के रूप में, समझते हो उसको इस तरीके से सुन के लोगों के मन में एक, तो लोहिया का बुद्धिजीवियों पर अभूतपूर्व प्रभाव था। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि उनके व्यक्तित्व का आज तक, जबकि बुद्धिजीवियों पर सर्वाधिक प्रभाव लोहिया का था, लेकिन उनके व्यक्तित्व का जो इंद्रधनुषी व्यक्तित्व था उनका, बहु आयामी, उसके संबंध में सही ढंग से विचार आज तक नहीं हुआ लगता है। और ये सब समाजवादी पार्टी वार्टी ये सब जो है, ये कहीं मतलब ये तो हाँ, दिली पीड़ा है कि ये कहीं लोहिया या प्रकाश, ये तो नाम लेते हैं लोग, लेकिन दूर दूर तक कोई विचार नहीं रह गए हैं। अच्छा सर, एक चीज़, कुछ बातों के साथ हम अपनी बात को विराम, क्योंकि एक लंबी चर्चा बहुत लंबी हो गई है हम लोग के बीच। लोहिया नेहरू का खुले तौर पर विरोध करते थे। एक संस्मरण साझा होता था कि एक दिनों लखनऊ में ही लोहिया संयोग से थे और बाहर से आए थे और चुपचाप आम भीड़ में शामिल हो गए और किसी ने जवाहरलाल नेहरू के ऊपर टिप्पणी की उस तरीके की, तो लोहिया ने कहा कि मैं पंडित नेहरू का विरोधी हूँ, सॉरी प्रधानमंत्री नेहरू का विरोधी हूँ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का विरोधी नहीं हूँ। तो सर आज इस तरीके के विचार बिल्कुल समाज से गायब हो चुके हैं, अगर इन पे आप बिल्कुल बिल्कुल लोहिया
सबसे यदि जीवन में सबके सब सर्वाधिक अनन्य यदि किसी के थे तो दो व्यक्तियों के थे, महात्मा गांधी के और जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू ने उनको कांग्रेस के विदेश प्रभाग का प्रभारी बनाया था, एक तरह से कांग्रेस के वो विदेश मंत्री थे, और लोहिया से उनके बहुत रागात्मक संबंध थे, बहुत अंदर का। लेकिन लोहिया की दिक्कतें शुरू हुई स्वतंत्रता के बाद। दिक्कत ये शुरू हुई कि गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर दो, भंग करके, और इसका विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण सब लोग भूदान आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने भंग करने का सबसे सर्वाधिक विरोध किया। लोहिया भी इसी विचार के थे कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्य था वो आज़ादी मिलने के बाद वो अब एक पार्टी के रूप में नहीं, अब वो एक राष्ट्रीय पार्टी जिसमें सारे दल के लोग, क्योंकि इस देश को बनाना है, 200 साल ये अंग्रेजों का गुलाम रहा और गुलाम एक किए गुलामी की एक लंबी का एक लंबा इतिहास है, तो इसलिए इसको पार्टी में न बांधा जाए और राष्ट्रीय जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, अच्छे संस्कृति कर्मी, ये इन सारे लोगों को इकट्ठा करके, अच्छे कृषि वैज्ञानिक, अच्छे वैज्ञानिक, इन लोगों को की सरकार बनाई जाए। ये जो पार्टी पॉलिटिक्स जो गांधी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस इस तरह से दलदल में एक अच्छी पहचान के साथ कांग्रेस का, वो चाहते थे कि इसका, आप देख लीजिए कि मतलब लोहिया इतने खुले विचारों के थे। तो नेहरू जी से यही विवाद हुआ उनका, और बाकी नेहरू जी के वो सबसे प्रिय लोगों में थे, नेहरू जी भी उनको बहुत मानते थे, लेकिन लोहिया पहली बार जब संसद में गए तो उन्होंने जम के विरोध किया। हाँ, वो लेकिन जब अमेरिका पहली बार गए डॉक्टर लोहिया, जिन्होंने वो वहाँ अश्वेत उसके विरुद्ध जिसमें लिखा था एक रेस्टोरेंट में कि ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, काले लोग और अश्वेत लोग और काले लोग और कुत्ते अलाउ नहीं है, तो वहाँ प्रदर्शन, वहाँ धरना दिया। तो जब अमेरिका जा रहे थे तो नेहरू जी ने उनको बुलाया और कहा कि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है और चलो, तो उनको गर्म कपड़ा, उनका ओवर कोट, चेस्टर बोलते थे उसको, ये सब सिलवाया उनके लिए नेहरू जी ने। और जबकि संसद में विरोध है, मतलब देखिए सर कितनी वैचारिकता आपने प्रबल, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कभी राजनीतिक विरोध कितना भी हो, और व्यक्तिगत मनमुटाव नहीं था। इंदिरा गांधी जी से भी व्यक्तिगत उनकी कभी रंजिश नहीं रही, तो वो रंजिश नहीं पालते थे लोग। वैचारिक मतभेद है, बाकी दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। लोहिया के राजधर्म में और अब के राजधर्म में, नेशनलिज्म में, अगर थोड़ा सा आप अंतर, चूँकि आपने उनको करीब से देखा, समझा। देखिए, लोहिया एक विश्व मानव थे। लोहिया ने कभी अपने को भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा। लोहिया ने हमेशा ये कहा कि कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं होना चाहिए, पूरी जो भारतीय परंपरा थी कि पूरी वसुधैव कुटुंबकम की जो ये थी कि एक देश से दूसरे देश का ये जो फर्जी, ये जो सीमाएं बनी हुई हैं भौगोलिक, इसका हम अतिक्रमण, उनका ये था। यूएनओ में जाना चाहते थे, बोलना चाहते थे,
कि ये पासपोर्ट वीजा ये सब छोड़ो और किसी देश को सेना नहीं रखना चाहिए, सीमाओं से परे उनके विचार। हाँ नहीं, वो सेना के भी विरोधी थे कि युद्ध तो होगा ही नहीं, तो वो तो विश्व मानव आज का जो ये राष्ट्रवाद ये है इस पर ये चूंकि विषय नहीं है, लेकिन लोहिया उस तरह के राष्ट्रवादी होने का सवाल ही नहीं, वो तो विश्ववादी थे, वो पूरी दुनिया को और मानववादी थे, ये इतना बड़ा ह्यूमनिस्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इतना बड़ा ह्यूमनिस्ट पैदा नहीं हुआ, वो तो ह्यूमनिस्ट थे। यदि ब्राज़ील में कोई घटना हो जाए, किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो, किसी बच्चे के साथ, किसी पशु के साथ कोई अत्याचार हो दुनिया के, तो वो अपनी आवाज़ उठाते थे, क्योंकि ये वो उनका ये मानना था कि ये मनुष्य के रूप में हमारी पहली आवश्यकता है मनन करना, इसी से मनुष्य शब्द की भी उत्पत्ति हुई। अंग्रेजी में भी जो मैन शब्द है वो भी मनन से ही बना है, यदि आप मननशील नहीं हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं, यदि आप मननशील नहीं हैं तो आप मैन नहीं हैं। तो लोहिया का ये था कि हम मनुष्य हैं, ये और मनुष्य होने की पहली शर्त हमारी यही है कि हमारी संवेदना का विस्तार हो, हमारे अंतःकरण का आयतन बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े मन के हम लोग बने। वो बड़े मन की बात करते थे, फिर कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत धन्यवाद लोहिया जी, भारतीय समाज का एक ऐसा आईना थे कि जिनके ऊपर जितना पढ़ा जाए और जितना लोग उनके बारे में संस्मरण लेखों को लिख सके और कुछ भी कर सके तो वो कम होगा। और तो लोहिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और समझिए। हमने लोहिया के जीवन पे जो ऐसे संस्मरण थे जो शायद किसी से साझा ना हुए हों, तो रामेंद्र सर का बहुत शुक्रिया कि सर ने हमसे ऐसी बातें साझा की। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं कि आपने क्योंकि मेरी कोई समाजवादी नेता के रूप में या चिंतक के रूप में मेरी कोई पहचान नहीं है, न मैं उसकी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आत्मसंतुष्टि बहुत है कि लोहिया के बाद बहुत सारे लोगों के साथ जो संपर्क बने वो हमारे लिए बहुत बड़ी संपदा है। पुनः धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई, ये भी आप लोगों से मुलाकात हुई, ये मेरे लिए सौभाग्य है। शुक्रिया।